उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के भतीजे और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियोटिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बलियोटिया के इस्तीफा देने के बाद से कांग्रेस में खलबली मची हुई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियोटिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बलियोटिया ने कहा कि वे पिछले 35 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं, यहां तक कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के परिवार से हैं और उनके संघर्ष को आज भी वो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन पार्टी द्वारा पिछले कई सालों से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने हमेशा उनकी उपेक्षा की है। कांग्रेस का एक वफादार सिपाही होने के बावजूद उन्हें कभी नेता ही नहीं माना गया। फिलहाल दीपक ने अभी किसी पार्टी में शामिल होने की बात से इनकार कर दिया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि दीपक जल्द भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने नैनीताल लोकसभा सीट से प्रकाश जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद दीपक ने नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है। पार्टी के अंदर हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और कोई उम्मीद नहीं रह गई थी, तो ये बड़े भारी मन से ये निर्णय लेना पड़ा, ये कदम उठाना पड़ा। और जो तिवारी जी के विकास के जो सोच रही है और जो जन मुद्दे रहे हैं, उसको हम आगे संघर्षरत रहेंगे और आगे ले जाने का काम करेंगे, जो जनता की सेवा हम करते हैं। देखिए, सब भविष्य के गर्भ में है और आज की तारीख में कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आज मनोस्थिति हमारी नहीं है कि हम कोई किसी निष्कर्ष में या निर्णय में पहुंचे। अब इतनी देर हो चुकी है कि अब इसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।